धार जिले के बगड़ी में ग्रामीण के साथ 10 लाख रुपए का होम लोन दिलाने के नाम पर हजारों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम के एक व्यक्ति को होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के नाम से 10 लाख रुपए का होम लोन दिलाने के नाम पर उक्त ग्रामीण से जरूरी दस्तावेज लेकर उससे हजारों रुपए की ठगी की गई। पूरा घटनाक्रम 20 जून का बताया जा रहा है, जहां बगड़ी निवासी नीलेश पिता बाबूलाल जाति खाती के साथ में रोहित लोध व जानवी झा नामक युवक युवतियों ने यह ठगी की है। घटना के विषय में जानकारी देते हुए नीलेश खाती ने बताया कि जून के माह में उनके क्षेत्र में होम लोन दिलाने के नाम पर उक्त युवक युवती पर्चे बांट रहे थे। इनसे बातचीत की तो इन्होंने 10 लाख रुपए का होम लोन दिलाने के लिए इन्हें आश्वस्त किया और इनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड व घर का पट्टा आदि जरूरी दस्तावेज लिए। इसके बाद तीन अलग अलग किस्तों में 28,500 रुपए जरूरी कार्रवाई हेतु इनसे लिए गए। उक्त घटना के कई दिनों बाद तक आरोपियों की ओर से इन्हें कोई मैसेज नहीं मिला तो नीलेश खाती ने इनके दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया, जिसमें पहले तो आरोपी ने अलग अलग जगह होने की बात कहकर बहलाते रहे। उसके बाद उक्त मोबाइल नंबर बंद हो गया। इस घटना के बाद खुद को ठगी का शिकार महसूस करते हुए बगड़ी निवासी नीलेश पिता बाबूलाल खाती ने नालसा थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही आरोपियों से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने बताए, जिसमें बाइक पर आते जाते युवक युवती दिखाई दे रहे हैं, जिस पर नालसा पुलिस थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल के बाद ही शीघ्र ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास एक रोहित लोजी नाम से एक लड़का आया था, जो गांव में पर्चे बांट रहा था। उसने पूरे गांव में पर्चे बांटे और उससे हमने लोन की बात की। उसने लोन की हाँ की और 28,500 रुपये रजिस्ट्री और लॉगिंग के नाम पर ले गया और अभी भी फोन बना रहा है और कहता है कि मैं तो चेन्नई हूँ और फोन रात होने पर मैं चेन्नई हूँ और गांव गांव में पर्चे बांटता है और लोगों को लूटता है और अधिकतर उससे पैसे लिए होंगे इसने। मेरे ऐसे अनेकों के लोन के नाम पर ठगी की होगी इस व्यक्ति ने। दो जमानतदारों के पास उन्हें साइन कराई, हम दोनों के पास भी साइन करवाई और आधार कार्ड, पैन कार्ड और घर का पट्टा ले गया है। इसकी आप थाने पे इसकी एफआईआर कराई क्या? हाँ, इसकी एफआईआर नालसा थाना पर करवाई है।